वन महोत्सव के तहत नगर निगम द्वारा वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत महापौर सीताराम जायसवाल सहित उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, मुख्य अभियंता सुरेश चंद ने रविवार को लालडिगी स्थित नेहरू पार्क में पौधरोपण किया। इस संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वन महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत लालडिगी स्थित नेहरू पार्क में नीम का पौधा लगाया गया। महापौर ने कहा कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है, पेड़ हमको कितना ऑक्सीजन देता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, अपना नगर निगम का बहुत बढ़िया ये पिकनिक स्पॉट बन सकता है। कुछ बनवाने वाले थे हमारे साहब, सेल्फी पॉइंट बनेगा, एक प्रदेश रहेगा, बुला लेते हैं ना, वो था वो वेस्ट टू आर्ट करके उसको ले गया है, वो दिखा दिया सर पूरा पार्क वो कुछ मतलब जो पूरे प्रदेश में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माननीय योगी जी के निर्देश में पूरे उत्तर प्रदेश में पौधों का रोपण कर लिया जाए। पौधा ही हमको ऑक्सीजन देखा है, पिछले दिनों हमने देखा है कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है। हर व्यक्ति को आज के दिन एक पौधा लगाना चाहिए। हमारे नगर निगम ने भी वृहद अभियान चलाया है। मैंने स्वयं लालडिगी पार्क में नगर आयुक्त, हमारे चीफ इंजीनियर और भी अधिकारियों के साथ नीम के पौधे लगाए। नीम का पौधा बहुत ही ऑक्सीजन देता है और इसके लिए हमारा नगर निगम पूरी तरह संकल्पित है। हम एक हफ्ते तक बृहद अभियान चला करके पूरे शहर में जहां तहां जगह है वहां हम पौधे लगाएंगे और पर्यावरण की सुरक्षा में पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि सब लोग जागरूक हों। मनुष्य के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में 17 पौधे की ज़रूरत होती है जिसका ऑक्सीजन मनुष्य ग्रहण करता है। तो कम से कम 17 पौधे हर दिन लगाएं, अपने पूर्वजों की याद में लगाएं, अपने सगे संबंधियों की याद में लगा करके पर्यावरण की सुरक्षा करें कि पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी को शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, शुद्ध धरती नहीं रहेगी। तो इसी के तहत हम लोगों ने आज पौधारोपण किया।